नमस्कार, मैं हूं संजना मिश्रा और आप देख रहे हैं केएम न्यूज। तो आज हम बात करेंगे कमला हैरिस की, जो कि एक भारतीय महिला की पुत्री हैं और अमेरिकन असेंबली में उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट की पदवी संभाली है। जैसा कि आप जानते हैं कि उनकी माताजी श्यामा गोपालन, जो कि चेन्नई से हैं, वह 1960 में कैंसर पर रिसर्च करने के लिए अमेरिका गई थी और फिर उनकी बेटी जो कि 7 साल की थी और उनका अपने पति से डाइवोर्स हो गया था, तब से उन्होंने अपनी बेटी को खुद अकेले ही पाला है और हमेशा वो अपनी बेटी को अपने भारत, अपनी जड़ दिखाने और उसकी संस्कृति समझाने के लिए, हमारे देश की चीज़ों को पहचानने के लिए उनके माता पिता के पास लेकर जाया करती थी। जब कमला हैरिस ने श्री पीएम नरेंद्र मोदी को यूएसए आने के लिए आमंत्रण दिया, तब एक हर भारतीय नागरिक के लिए एक गौरव की बात है, क्योंकि वह एक पहली इंडियन और पहली एशियन है जो कि अमेरिका में वाइस प्रेसिडेंट की पदवी पर हैं। और उन्होंने हमेशा से कहा है कि मुझे गर्व है कि मैं भारत से हूँ, मुझे गर्व है अपनी कम्युनिटी पर, अपने समाज पर, मुझे गर्व है अपनी ज़िंदगी पर, मुझे गर्व है अपनी फैमिली पर, मुझे गर्व है जिस सोसाइटी में मैं पली बढ़ी, मुझे गर्व है उन लोगों पर जिन्होंने मुझे सिखाया, मुझे गर्व है अपनी इंडिया के कल्चर पर। और उन्होंने अपना ये प्रेम अमेरिकन असेंबली में संस्कृत के श्लोकों को बोलते हुए दिखाया। वहाँ पर उन्होंने हमारी भारतीय संस्कृति को सम्मान दिया। उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट होते हुए एक इंटरव्यू में भी कहा था कि जब मैं सोचती हूँ या जब हम सोचते हैं कि हमारा इंडिया बहुत ही पुराना देश है, लेकिन मुझे गर्व है कि मेरा बैकग्राउंड भारत से है, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो पुराना है या नया है, क्योंकि भारत तो भारत है। और उन्होंने ये कहा है कि मेरे लिए मैं जो आज हूँ वो सिर्फ और सिर्फ मेरी बैकग्राउंड की वजह से है। और आज हर एक भारतीय नागरिक को गर्व होना चाहिए कि एक भारतीय नारी जो कि अमेरिका की असेंबली में वाइस प्रेसिडेंट की पदवी पर है। और मेरा निवेदन है कि हर भारतीय कमला हैरिस से कुछ सीखे कि अगर इंसान चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता, अगर इंसान में काबिलियत हो तो वो कहाँ तक नहीं पहुँच सकता। कमला हैरिस ने भारत को सम्मान देते हुए भारत के बारे में कई बातें कहीं और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे अपने भारत के लोगों पर गर्व है। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहे केएम न्यूज़ टीवी चैनल। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसे ही अपडेटेड न्यूज़ देखने के लिए देखते रहें और ऐसे ही अपडेटेड रहें।